Hello students, this is a video lecture number 4 on the vectors, on the definitions. So, I'm telling you scalar multiple of a vector quantity. Means, what is the meaning of scalar multiple of a vector? For example, aapke paas ek vector hai. This is vector A, correct? अब इस वेक्टर को मैं m से मल्टीप्लाई करता हूं. m कुछ भी हम ले सकते हैं. इसको m से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा m इंटू ए. इसका लेंथ बड़ा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया. जब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया, इसका लेंथ बड़ा हो गया, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेक्टर विद इट्स मोर मैग्नीट्यूड. तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, राइट? तो इसका मैग्नीट्यूड एम टाइम्स हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू को इनिशियल वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर्स कौन होते हैं? को इनिशियल वेक्टर जिनका मैंने बताया था ना पिछले डेफिनेशन में, ओरिजिन सेम हो, इनिशियल पॉइंट सेम हो. जब नंबर ऑफ वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स. तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा? इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड सच दैट देयर इनिशियल पॉइंट इज सेम, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स. एंड स्टूडेंट्स इसका उल्टा कर दो, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर टर्मिनेटेड एट वन पॉइंट दीज आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर. यू कैन सिंपली फ्रॉम द हेडलाइन यू कैन डिफाइन इट. देन को लीनियर वेक्टर्स. व्हाट इज को लीनियर वेक्टर्स? टू वेक्टर्स विच इधर आर अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द टू पैरेलल लाइंस, यू नो, आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर ए एंड बी आर अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द टू लाइंस, दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. दीज आर द सिंपल बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर इन द वीडियो लेक्चर नंबर 4, राइट? एंड स्टूडेंट्स, मेरा वेबसाइट है www.toprankr.com. इस वेबसाइट में आप जब जाएंगे तो इसमें आपको ऐप मिलेगा. उस ऐप से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जा सकते हैं. इट इज वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th एंड 12th. They can immediately go and download the app, and there are large number of multiple choice questions, chapter wise, unit wise, topic wise, and you will definitely find it's very useful, and it has got a study material also for the competitive exams. So, the basic definitions are over, and after this we will be starting the additions or compounding of the vectors, the multiplication of the vectors, the laws of vectors. So to be continued in the other videos. Vectors going on. कुछ दिन वेक्टर चलेंगे और चलेंगे मेरी मर्जी से. मैं अपने हिसाब से आपको टीच करूंगा. जिसको अच्छा लगता है वो डेफिनेटली इसको अप्रिशिएट करेगा. हॉच पोच मैं नहीं करने वाला. मैं फिर बताने जा रहा हूं, मैं इस प्रेशर में नहीं पढ़ाऊंगा कि मैंने आपको इंप्रेस करना जी, मैं बड़ी ऊट पटांग सी चीजें ला के नमेरिकल से कराऊ. एक बार कुछ अजीब से क्वेश्चन होते हैं, वो उसका कोई लॉजिक नहीं होता, वो एक एंटरटेनमेंट होता है, एक पब्लिसिटी स्टंट होता है कि यार वो बड़े अच्छे कमाल के क्वेश्चंस बता रहे हैं. उसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है. मैं फिर से बता रहा हूं कि हम लोग बेसिक्स करेंगे, बेसिक्स के बाद स्टेप्स में चलेंगे. बेसिक्स, बुक के न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. मीनवाइल यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड गेट सब्सक्राइब्ड इट. थैंक यू.